तो जी बराबरे का चल रहा है, बराबर का चल रहा है। हाँ कौन सा निकला वो बात, बाकी बन भी का तो एमएलए का एमएलए रहेगा, उड़े गया दो रजाए बैठेगा, कुछ करने का रन का है नहीं। 50 वोट लेके आओ एक नौकरी दूंगा मैं, इब्बे तो पहले खरीद फरोख की बात चलने लग रही है। कह रहे अपन इसका तो सरिया है, इसका सारा गटर चढ़ रहा है, ये बात में मेरा पटाया गटरे को लकड़ता है, उसका तो सरिया तो निकल जाएगा, उसका गटर नहीं निकलेगा। हमने वीडियो देखी है सर्वे की, कैप्टन साहब ने काम तो बहुत करके लेकिन मिलन नहीं आया हमने, तो लोगों ने मिलन का मतलब है काम से मतलब है, काम होना चाहिए, मिलन आओ ना आओ। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम, और फिलहाल है नारनो दलके के मिर्चपुर गांव में। और नारनो दलके की अगर बात करें तो इस विधानसभा में अभी के चल रहा है, किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, तो आड़ा युवा भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं, तो इन्हें तो पूछेंगे कि नारनो दलके के बारे में इनका के कहना है, फिलहाल के चल रहा है, किस तरफ ज्यादा झुकाव है या फिर टक्कर चल रही है, तो ये इन्हें पूछ लेंगे। राम राम जी। राम राम। के नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध हाँ जी। तो नारनो दलके की अगर बात करें, नारनो दलके में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? माहौल तो जी बराबर का चल रहा है, बराबर का चल रहा है। कौन सा निकल वो बात, मतलब न्यू कौन है, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, कुछ नहीं कह सकते ना, कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा हाँ जी। राम राम जी। क्या नाम है? विकास नाम। विकास, तो देखो आप युवा हो, अगर नारनो दलके की बात करें तो किस प्रकार का समीकरण बन रहा है? समीकरण अभी टफ फाइट है, गांव मिर्चपुर के अंदर छोटा छोटा बच्चा इंटरेस्ट ले पॉलिटिकल में, 9-10 साल का बच्चा समझन लायक जी है कि कौन देश का खातर काम कर सके है। दूसरी चीज, हमने पहले कैप्टन साहब पहले जिताए थे 2014 वाला इलेक्शन में, 20 साल जितने काम कर दिए थे एक बार में ही। अब मान लो ये नया बंदा आ रहा है, इसका एमएलए बनाने खातर थोड़ा लेगा, हमने काम करवाने एक नॉर्मली, जो पहले अपना सब कुछ बेचा घूमा फिरन लग रहा है, जो अपने भरेंगे हैं सारे के सारे, कांग्रेसी सारे अपने अपने बात करने लग रहे, गोगी जी को पहले हम अपना घर भरांगे फिर दूसरे देखांगे, पहले अपना घर करना है, हमने ये दोस्त प्यारे आ रहा करना है। नुए नीरज शर्मा है फरीदाबाद से NIT से, वो भी यही कहने लग रहा है, एक मतलब 20-50 वोट लेके आओ एक नौकरी दूंगा मैं, इब्बे तो पहले खरीद फरोख की बात चलने लग रही है, तो कैप्टन ने वोट देवांगे जी हम तो। क्यों, मतलब देखो नारनो दल के मैं जस्सी पेटवाड़ है या फिर कैप्टन साहब है बीजेपी से, इससे अलावा और भी है, आम पार्टी तरणवीर लोहान है या फिर इनेलो का भी है। देखो जी कुछ अभी इनेलो का और BSP का गठबंधन चल रहा है, जिसका कारण थोड़ा बहुत देखो जो नारनो ये है लोहान साहब है, पुराने वर्कर भी रहे हैं, वोट तो है उनके पास भी, लेकिन इतना वोट नहीं काट सकते जितना वो मतलब भाई हाँ नू दिखा सके कि फाइट रहोगी दोनों के बीच में, कैप्टन साहब के बीच में और जस्सी पेटवाड़ के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी की फाइट है। बाकी बीच में दुबई बात है, इलेक्शन में तो 17 निर्दलीय भी खड़े हो रहे होंगे, वो भी वोट तो लेवेंगे चाहे अपना कुटुंबा के लिए हो, यह बात है। राम राम सर। क्या नाम है सर? संजय जी। संजय हाँ जी। तो सर आप क्या कहना चाहो हो नारनो दलके के बारे में या फिर मिर्चपुर की बात करें तो? यार तो टक्कर है जी पूरी। अच्छा हाँ, मतलब कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। तो अगर कांग्रेस की बात करें बीजेपी की बात करें तो मतलब कौन सा एमएलए आवे है और कौन केवन काम करवा सके है? मैं शिवखंडे वाला करा सके जी। अच्छा बस कैप्टन है बेनी, मतलब देखो आड़े तो जस्सी पेटवाड़ भी है, बस यू नया है बेदा, तो इसी पहले काम बहुत ज्यादा करा दिया वो लग रही है। कैप्टन साहब ने बहुत ज्यादा काम करा दिया जी, बहुत ज्यादा। राम राम जी। राम राम जी। ते इवनू बता दो चाय पीकन है, आखिर नारनोंद में के माहौल चल रहा है? नारनोंद में माहौल तो है मुकाबले का, बाकी मेरे हिसाब से तो कैप्टन साहब जीतने चाहिए, क्योंकि पुराना कैंडिडेट है, काम भी करा के उसी गांव में खूब, अगर लोगों थोड़ी बहुत शर्म होगी तो कैप्टन साहब की तरफ झुकाव करना चाहिए, तो कल का नया बच्चा है, बाकी बन भी गा तो एमएलए का एमएलए रहेगा, उड़े गया दो रजाए बैठेगा, कुछ करने का रन का है नहीं, कैप्टन साहब मंत्री बनेंगे सीधे या CM के दावेदार तक भी हैं। मतलब अगर नारनो दलके की बात करें तो मतलब कितना काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर काम खूब हुआ है, खेड़ी तहसील बन गई, मिर्चपुर के बारे में ज्यादा गांव में रहा हाँ, जमींदार आदमी है, हॉस्पिटल बना दिया, गली गलियां का काम भी खूब कराया, ग्रांट खूब दिया मिर्चपुर गांव को। राम राम। तो राम राम जी। क्या नाम है? जोगिंदर नाम है। जोगिंदर, तो आप क्या कहना चाहो हो इसमें मिर्चपुर में कितनी वोट है? मिर्चपुर में वोट करीबन 3,000 के आसपास ले होगा। 3,000 के आसपास है, मतलब पोलिंग कितनी हुआ है? पोलिंग तो होगी 4,500 के आसपास, 5,000 हो जाएगी ज्यादा ज्यादा। अच्छा, तो मतलब के माहौल बना है? माहौल तो सही है मिर्चपुर में तो भी। अच्छा
अच्छा मतलब किसकी औचाल रियल के में हल्का मतलब दोनों है कि है हवा तो जस्सी की बिचार रही है बच्चे हैं यंग बच्चे हैं घूमे हैं बाकी वोट देनी है देनी है नहीं है आवाज ज्यादा दिखा रहे हैं बाकी वोट कम मिलेंगे तो देखो आपने को कि मतलब आवाज ज्यादा है वोट देनी नहीं है ऐसा क्यों बच्चे हैं बस यंग आन रहे हैं बस बालक हैं किलकी मरनी है किलकी मरनी है और ऐसा जो बाहर से आए हुए हैं बाहर से आ रहे हैं अच्छा। और यहाँ का जो हाँ रोहतक से आए हुए हैं या उसके जैसे वो है या हल्का का कोई वो नहीं है उसका ज्यादातर माहौल है तो बाहर का भी दिखावा कर रहे हैं माहौल है तो कैप्टन साहब का है ये खुद का है और उसका है कह रहे हैं इसका तो सरिया है इसका सारा गाटर चढ़ रहा है ये बाद में बेरा पटाए गाटरे को लकड़ा उसका तो सरिया तो निकल जाएगा उसका गाटर नहीं निकलेगा ये बात है ये माहौल कैप्टन साहब का है यहाँ ज्यादातर ये तो बाहर से योग कर रहा है देखो आप मतलब कह रहे हो कि उसका तो सरिया था उसका गाटर है ऐसा क्यों हो ये तो दिखाने लग रहा है ये फुकरा फुकरापंथी भाई कुद्दा नाची अंड बंड ये जो करने लग रहे हैं ये कैप्टन साहब तो साधारण इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं दिखने लग रहे हैं कैसे कहते ऐसा अभद्र भादा बोलने लग रहे हैं वो सब दिखने लग रहा हो तो ये तो आप मीडिया ने बारे में दिखे आम जनता ने भी दिखने लग रहा है भाई वो कुछ बकते हैं वो अभद्र भाषा बोलते हैं तो ये तो सब ने दिख रहा है भाई फुकरापंथी कर रहे हैं तो वो गटरे चढ़े हो तो जो बाहर का सदा है और यहाँ का लोकल नहीं है यार हल्का कोई बिल्कुल तो जी देखो युवा की अगर बात करें युवा राजनीति में आज के टाइम में पूरा सक्रिय है तो आप जी कुछ और कह रहे थे यही कह रहे थे जी अब भद्र भाषा देखो अभी कुमारी शैलजा जी के जितनी अगर बाय चांस डॉक्टर अजय ने एक बार टिकट भी मिलती है यहाँ पे तो यहाँ के आदमी हल्का वाले सोचने पे मजबूर होते कि भाई हम दोनों पार्टियों की तरफ से मंत्री का दावेदार भेज रहे हैं तो आदमी सोचने पे मजबूर होते तो एक तरफी सी बात है हमने एमएलए थोड़ा चाहिए हमने तो डायरेक्टली एक सीएम जैसा कैंडिडेट दे रहे हैं हम तो सीएम जैसा सिस्टम है कैप्टन साहब का तो इसलिए हम तो उसको देंगे भाई अच्छा एक मिनट एक साहब का ये पानी है ये ताऊ छो मार रहा है ये कैप्टन साहब ने चला रखी है अच्छा सुबेरे आओगी नहीं शाम ना होगी पानी जरूर आओगा ऐसा नहीं है कि भाई मतलब देखो 20-20 लीटर की कैनी दे रखी है पीने का पानी है बिल्कुल आरओ वाला ये मतलब गर्म में पहुंचा हुआ है गर्म आवे डे बाय डे और ये कोई आज नहीं कि भाई इलेक्शन करके चल रहा है ऐसा नहीं है पिछले 5 साल से मैं मतलब ये गाड़ी देख लो कैसी हो गई है हाँ मतलब हाँ लेकिन ये पानी की वजह से हुई है डे बाय डे पानी आ रहा है इसके लिए पूरे गांव में पानी घूम है इन कॉलोनिया में हर जगह ऐसे नहीं भाई इधर आ गया भाई पिछली साइड में नहीं गया 36 बिरादरी में पानी आवे है किसी खातर कोई वो नाम ही नहीं है मतलब इसका कोई पैसा देना पड़ा है पैसा एक बार साथ में सिक्योरिटी भरवा कर दे जो की सिक्योरिटी क्यों क्योंकि ये गाड़ी अभी तेल पे चला है ठीक है प्राइवेट वाले भी पानी देवे हैं और भी देवे हैं पानी की है प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की ऐसे नहीं की नहीं है हमारी गलती रही है कुछ पिछला इलेक्शन में नहीं जीता पाए कैप्टन साहब ने कुछ हमारी गलती है ना वो अगर जीत जाते तो ये एक प्रकार से सीएम सिटी कहलाती है यहाँ का सीएम सारा सिस्टम होता है यहाँ पे नक्शा बदल जाता ये बात राम राम जी क्या नाम है नरेंद्र जी आप क्या कहना चाहो पांच साल जो सरकारी हॉस्पिटल नहीं था पहला टूटा फूटा था लगा नहीं ये नया बन रहा है बढ़िया और जच्चा बच्चा का भी हो गया साथ में और पानी की समस्या थी वो भी थोड़ी बहुत लले कम हो गई है जी ये थोड़ी बहुत रह रही है वो भी बोल दिया भाई पूरी कर देंगे और दूसरी बात है जी बढ़िया काम कर रहे हैं जी बंदा कहीं भी देख लो अब ये 5 साल हमारे बेकार गए जी कोई काम नहीं हुआ हमारा 5 साल और ये मतलब बढ़िया काम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है जी और ये भी है जी जस्सी जी हैं जैसे ये नया लड़का है यो ठीक है यो मतलब छोटे मोटे मारे वर्गे बच्चे ने पकड़ा है खिलाड़िया ने उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया है ये भी इसके पास यू के कर जी आव है इसके पास पैसा नहीं है यू के भाई मेरे पास कुछ नहीं है काम है जो कुछ भी हो मेरे पास जो जमीन थी मैंने वो सारी बेच दी है ये बात करने लग रहा है जीव तो पहला इसके पास कुछ नहीं है और जो छोटी ही बात है जी ये उन्होंने 2500 बच्चे लगाऊंगा ये पहला जमीन आपकी खुद ही खरीदेगा जी फिर उन 2500 बच्चे लगा दिया 2500 बच्चे जी फिर यू मतलब उल्ट सुलट बोल रहे जी थोड़ा बहुत मतलब ठीक है जी जैसे भी है मतलब कैप्टन मनु जो काम कर देगा जी उसकी बस की बात नहीं है और ये तो वही बात है जी ये तो मैं इस तरह जी अड़नंद में और घास लेने जाओ जी रोहतक है मतलब वो तो काम हो ही नहीं जी तो डंगर भूखे मर जाएंगे वो काम है जी वो तो फिर ठीक है जी जो है कट नी मनु ठीक है जी बस 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 ठीक है जी ब
ठीक है। देखो इन कैंडिडेट तो न्यारे और भी हैं, आम पार्टी के भी हैं या फिर इन एल ओ का भी है, उनके बारे में की ना जी ना देखो उनका तो कुछ है रुझान है नहीं, बस दो ही हैं अपने नारनौंद हल्का में, दो ही कैंडिडेट हैं जस्सी पेटवाड़ और ये बस। ये जी मारा गांव में भी 3000 वोटा तो मतलब चल रहा जी, 1000 वोटा तो ऊपर है, आगे चल रहा जी और जड़े तक ये है जी बनेगा जी। मतलब अभी ये नहीं कह सकते कि मतलब जस्सी जीता गया कैप्टन साहब तो टक्कर में है ना? टक्कर में जी, ये बात तो कहवा जी टक्कर में है जी, और कोई दिक्कत नहीं है जी, ममतीश के साथ है जी, तहे दिल तक ठीक है। हाँ वोट देवा जी पते नहीं के, और कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी आप और भी कुछ कह रहे थे? हाँ जैसे अभी उड़दंगबाजी थोड़ी सी, इलेक्शन अभी अपने अपना चरम पर पहुंचने लग रहा है, 5 तारीख का इलेक्शन है तो 1 तारीख लग तो इस तरीके से बाहर से बंदे ज्यादा आ रहे हैं, उड़दंगबाजी ज्यादा हो रही है, गाड़ी नंबर सारी रोहतक की है, बाहर से गाड़ियां आती ब्लैक कलर की गाड़ियां हो जितनी भी आती हैं, नए नए बच्चे हैं, हमने भी हमारी भाषा बेरा पड़ जाए, हम बांगर के हैं, अरवन उन्न परली साइड वाली कौन सी लैंग्वेज है वो भी सारी समझा हम, तो बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, इधर के लोग कम जुड़े हुए हैं, जो युवा हैं जो छोटे मोटे हैं मतलब जिन्हें अभी बेरा को नहीं इलेक्शन बाजी का कुछ कई हैं वो बहकावे में भी आवे हैं, लेकिन पूछने की बात तो ये है जी यहाँ पे हम काम क्या करवाएंगे उनसे, ये बात देखो युवा तो आप भी हो। हाँ जी तो सबसे बड़ी मैन तो ये है कि औद्योगिक धंधे हैं नजदीक है, जैसे सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद, वहाँ औद्योगिक धंधे ज्यादा हैं। अब हर आदमी को तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता किसी भी हालत में, क्योंकि जनसंख्या देश की लगातार बढ़ती जा रही है, तो बस यही है क्योंकि इस पे हमने भरोसा है, औद्योगिक धंधा ला सकता कोई ना कोई, खेड़ी चोपटा है पास में, अभी तो खेड़ी चोपटा छोटी तहसील है, थोड़े दिन बाद में एसपी बैठने लग जाएगा यहाँ पे अगर ये कैप्टन साहब आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जमीन के रेट भी बढ़ते हैं ना, डिपेंड करता आदमी कौन कैसा आ रहा है, तो उसी हिसाब से जी बच्चों को कुछ जो समझने लग गए हैं, जो पॉलिटिकली देख लें 2-3 जो जिसने 2-3 बार वोट डाल चुके हैं वो समझने लग गए इन चीजों को कि भाई वोट किसको डालना है, ये बात है जी। तो एक और भाई था वो आ जाओ, यो भाई बोल रहा था ना, खड़े रहो कोई बात नहीं। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है? देव शर्मा। देव शर्मा हाँ जी। वोट बन रही है? बन रही है जी। बन रही है, अच्छा तो के माहौल लगा है इसकी बार? देखो गांव में तो दोनों के टक्कर, ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब की बार, अब हमारा गांव में तो दोनों के टक्कर है कांग्रेस की और बीजेपी की, एक तरफा किसी का माहौल नहीं की बीजेपी का माहौल या कैप्टन साहब का माहौल है, लेकिन काम की देखते हो तो कैप्टन साहब ने वोट देना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक काम बहुत किए कैप्टन ने, हमने वीडियो देखी है सर्वे की भी कहें कि कैप्टन ने साहब ने काम तो बहुत कर, लेकिन मिलन नहीं आए हमने, तो लोगों ने मिलन तो मतलब है काम तो मतलब है, काम होना चाहिए, मिलन आओ ना आओ वो उनकी प्रॉब्लम है, हमने काम तो मतलब है, हम तो बीजेपी ने वोट देंगे, मतलब युवा सारे है कि मिलन बेच सकना हो पर काम होने काम होने चाहिए, अब की बात तो कैप्टन साहब कहें कि थोड़ा रोजगार की तरफ भी ध्यान देंगे तो हमारा वोट तो बीजेपी को ही है। राम राम जी, के नाम है? विनोद जी। विनोद, विनोद जी आप क्या कहना चाहो? मैं तो ये कहना चाहूँ देखो जी टक्कर दोनों की, लेकिन इसको तय कर दिया है आने वाले 2024 के अंदर बीजेपी सरकार बनेगी, इसमें नरेंद्र मोदी और योगी जी ने ये इस बात को क्लियर कर दिया। अच्छा, मतलब सरकार ऊपर बीजेपी की आओगी? बीजेपी की आनी है, लोग तो रुके नहीं, मारा है कांग्रेस की आओगी? कांग्रेस की देखो जी ये तो एक है, वो तो 2-8 तारीख के बाद नू क्या कर रहा योगी, यही बात कह रहा है भाई अभी ये गर्मी है उसको शांत हो जाएगी पब्लिक की, 8 तारीख को सबका पता लग जाएगा आने वाले टाइम के अंदर है, कैप्टन अभिमन्यु ही जीता, विकासवादी नेता है, दुनिया का विकास करने वाला बड़ी आदमी है, क्योंकि हल्के के अंदर ऊँट टक्कर दोनों की है, जस्सी की भी है और कैप्टन साहब की भी है, लेकिन फाइट के अंदर कैप्टन साहब की ही जीत होगी। मतलब तो देखो ये नहीं कह सकते फिलहाल कि एक तरफा माहौल किसका बन रहा है? एक तरफा माहौल है देखो 80% जो जाट बेल्ट है वह तो 80% है जस्सी को वोट दे हुए हैं, लेकिन बाकी जो है वह कैप्टन साहब को वोट दे हुए, और हल्के के अंदर जिताने का काम सिर्फ जो निचरले हैं वही जिता के लाऊंगे, कैप्टन साहब को हल्के के अंदर जीत किया होगा। और जो बाकी है जैसे इनेल लोता है, लोहान साहब है या फिर एक आम पार्टी तो है रणबीर लोहान है, देखो उसका 1-2% है वहां जहां उसका हल्का है थोड़ा बहुत तो होता है कोई भी हो, लेकिन चौटाला पार्टी है जो वह अपने आप दिखने लग रही है, संदक यही दिखा है कि भाई चौटाला परिवार है सबको पता है, क्योंकि उस पार्टी में दम नहीं रहा।
देखो उम्मीद लोहान की करे कि अच्छी वोट लेकर जाएंगे नारनूंद पे। देखो नारनूंद से लेकर जाऊंगे क्योंकि नारनूंद गांव उसकी ही का हो गया, लेकिन कैप्टन साहब भी कम नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर विकासवादी नेता सही है हमने, और विकास करेगा ऐसी बात नहीं, विकास भी खूब करेगा। दूसरी बात बेरोजगारी की, आने वाले टाइम के अंदर जो बेरोजगारी है उसने खत्म कर देगा, घर घर गल नौकरी दे देगा। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कैप्टन साहब। राम राम तऊ। राम राम बेबे राम राम। के नाम है तऊ? दरिया सिंह। उम्र कितनी को होगी? 70 साल। ये बाल्टी लेकर खड़ा जाओ हो? पानी भरा बेबे। कड़े तो लाओगे? अभी मेनू कैप्टन की गाड़ी आवा है पानी भर मारे। अच्छा तो खड़ी शमी पीने का पानी? पीने का पानी तो उसका भरवाओगे? उसका भरवाओगे। अच्छा ताऊ देखो, अब की बार अगर नारनो दलके की बात करे या फिर आपके गांव की मिर्जपुर की, तो के माहौल चल रहा है? जीत से वे कैप्टन की। अच्छा हाँ, आड़े अस्पताल बना रखा, बहुत काम कर रखे है। यो पानी रोज भरवाओ हो? रोज आवा गाड़ी आड़े पानी भरन। मेरी ताई को ना भरवाती ना? मेरी ताई ने दुखी को ना होने देते? हैं हैं, मेरी ये ड्यूटी है। अच्छा तो ताऊ की ड्यूटी लग रही भाई। नारनूंद हलके की अगर बात करे तो इस विधानसभा में अभी ये नहीं कह सकती कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि बात करी है बड़ा तो ही बात करी और युवा तो ही बात करी है, तो मतलब टक्कर का मामला बताया जान लग रहा है। बाकी मैदान में और भी खिलाड़ी है, आपने पता है एक तरफ बीजेपी तय कैप्टन अभिमन्यु है, तो एक तरफ है जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस पार्टी तय, और एक तरफ है इनेलो तय उमेद लोहान, और आम पार्टी तय रणबीर लोहान भी मैदान में है। तो भाई और एक आधे निर्दलीय भी है। तो अगर नारनूंद हलके की बात की जाए तो आपके हिसाब से के समीकरण बड़ा है, किस प्रकार का बदलाव नारनूंद हलके में होगा, तो आप भी जरूर बताइए और तस्वीर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। आगे भी लगातार आपने इसी प्रकार का अपडेट दिखाते रहेंगे। जय।